हेलो एवरी वन वेलकम टू अभिमन अब आपके पास जैसे कि मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में भी जिक्र किया होगा कि मैं कुछ नया लेके आने वाला वालों मैब आपके डाटा इंटरप्रिटेशन की तरफ थोड़ा सा मूव करने वाला हूँ रीजन ये एक ऐसा पार्ट है जिसको बड़े सारे बच्चे सीरियसली नहीं लेते और इसका एक दो क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है चाहे वो पाई चार्ट का हो चाहे बेटा वो लाइन चार्ट का हो चाहे बार ग्राफ का हो चाहे वो आपका मिक्स ग्राफ हो वो क्वेश्चन आपके पास आना ही आना है एग्जाम क्लियर

एक लाइन चार्ट एक से दो क्वेश्चन मैक्सिमम इतना ही आता है क्लियर तो बट आप तैयारी का मोड अपना अब ऑन कर दीजिए स्विच ऑफ हो जाना चाहिए कैसे होगा अभी इसके साथ आप इसको शुरू कीजिए कैसे शुरू करेंगे ये हमारा एक अर्ली सी सेट बैच है तो तीन से साढ़े चार यानी तीन से लेके पांच आप कहोगे सर लिखा हुआ तो साढ़े चार या पांच कैसे अभी आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दूंगा इसकी एक एक चीज बताऊंगा अच्छे से कैसे देखिए सबसे पहली बात ये फोर डेज अ वीक बैच है टोटल लेक्चर इसके अंदर एक सौ अस्सी प्लस है ठीक है नब्बे टोटल लेक्चर है इसके अंदर पचास इसमें एप्टीट्यूड के लेक्चर हैं पच्चीस लॉजिकल कर पंद्रह इसमें इंग्लिश के लेक्चर हैं आपके क्लियर अगर प्रीवियस ईयर लेक्चर्स की बात करूँ ये प्रीवियस ईयर लेक्चर पंद्रह आपके प्री अपलोडेड है इसके अंदर क्लियर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन की बात करें फिफ्टी प्लस प्री अपलोडेड है लाइव मेंटरशिप सेशन की बात करूँ थर्टी प्लस है तो ये कुछ ऐसे मॉड्यूल पे चलेगा बट क्या ये सिर्फ ऑनलाइन है ऑफलाइन है? नहीं, ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है आप। आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है या तो आप हमारे मोहाली हेड सेंटर में ऑफलाइन लगा सकते हैं या आप इसको क्या कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में होके इसको आप घर से भी लगा सकते हैं कहीं से भी लगा सकते हैं क्लियर क्या फायदा है ऑनलाइन बैच का या इस बैच का क्या फायदा बेसिकली अगर कोई भी देख सकते। बहुत कुछ चीजें ऐसी तो ये ये नब्बे है ना ये आपको लाइव लेक्चर्स मिल रहे मतलब रिकॉर्डिंग होगी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी मुझसे आपकी लेक्चर के क्लियर ये तीन तो आपके पास रिकॉर्डेड है बट ये आपके पास पचास क्वान्ट यानी तकरीबन 75 से सौ घंटे का आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लियर इतने में तो तीन बार सीसेट करवा देते हैं बाकी क्लियर तो कोई दोहराए नहीं कि इससे बेस्ट नहीं मिलने वाला सीसेट की तरफ से मैं आपको क्लियर नेक्स्ट अगर मैं आपके साथ थोड़ी सी और बात करूं और इसमें क्या मिलेगा देखो अगर मैं बात करूं तो वीकली शेड्यूल मिलता है तो क्या मिलेगा इसमें मुझे इसमें वीकली शेड्यूल मिलता है क्लियर दूसरी चीज़ इसमें मुझे क्या मिलने वाली देखिए सबसे पहले वीकली शेड्यूल मिलेगा कि भाई वीक में कौन कौन से हमारे अपकमिंग लेक्चर हैं क्लियर इसके बाद हमें क्या मिलेगा हमें जो क्लास कम्पोज तो कीजिए मंडे को मेरी कोई क्लास है तो मंडे की क्लास के साथ सबसे पहले क्लास पीडीएफ मिलेगी और उसके साथ रिसोर्स मिलेगा कौन सी क्लास पीडीएफ होगी भाई किस तरह की पीडीएफ होगी है इसमें वो क्वेश्चन लिखे होंगे जो मैंने क्लास में करवाने हैं ठीक है व्हाट अबाउट रिसोर्स आर दिस व्हाट अबाउट दिस रिसोर्सेज रिसोर्सेज मेरे चैप्टर का वो पार्ट है जिसके अंदर जिसके अंदर चैप्टर की कुछ थ्योरी कुछ फॉर्मूलास या कुछ क्वेश्चन होंगे जो तो क्वेश्चन जो मुझे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से देंगे भाई क्या बनेगा इसमें ठीक है नंबर तीन में क्या होगा और ये भी लेवल के हिसाब से लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री कि किस दिन कौन सा करवाना है फिर नंबर तीन में मिलेगी मुझे प्रैक्टिस शीट अब ये प्रैक्टिस शीट क्या है बेटा जैसे आई मैंने लेक्चर क्लास में करवाया सपोज ये नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल किया हमने तो इस प्रैक्टिस शीट में 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम हो गया आपके किसके डिविजिबिलिटी रूल और ये प्री अपलोडेड होगी और नेक्स्ट क्लास में ये जो आधे घंटे का मेरा सेशन है ये है मेरा डाउट डाउट सेशन। सेशन इसमें हम इस में इस में शीट या पिछला कोई भी आपका प्रश्न हो किसी भी चैप्टर का जो हमने खत्म कर लिया या कोई नया क्वेश्चन आप बताइए हम उसे भी करेंगे ठीक है तो ये तो ठहरी भाई हमारे पास इसकी क्लास की और इसकी अब बात करते हैं वीकली टेस्ट की आपके पास वीकली टेस्ट होता है आपका दो तो बेटा होता संडे को एक बजे संडे को एक बजे ठीक है सपोज कीजिए टाइम एंड वर्क किया तो संडे को टाइम एंड वर्क का टेस्ट हो जाएगा आपका अब व्हाट अबाउट इट्स सोल्यूशन क्या सोल्यूशन हमें कैसे मिलेगा नेक्स्ट क्लास जो होगी मेरी उसके पहले मैं पूरा डिस्कस करूंगा वीडियो के रूप में मतलब आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा इसका बताइए इसके बाद क्या चिंता करने वाली बात है सब कुछ छोड़ दीजिए सौंप दीजिए हम पे फिर देखो कितना मज़ा आता है बेटा क्लियर तो प्लीज़ इस बैच को ज्वाइन करें

फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन सबसे पहले देखो, पाई को समझते हैं. मतलब क्या है देखिए मुझे जहानाबाद बारह परसेंट कथियार बाईस परसेंट ये क्या है सहरसा पंद्रह परसेंट बक्सर सोलह परसेंट आरा नौ परसेंट गया पंद्रह परसेंट और दरभंगा ग्यारह परसेंट और इतना ही हो गया ठीक है तो सबसे पहले ये चेक करो क्या प्रतिशत में सो है अगर नहीं है तो मैं इक्वेट कैसे करेंगे अगर है तो एक वेट करना है देखो ये कितना हो गया एक दो तीन चार पाँच छः सात सत्तर दो दो चार चार और पाँच नौ छः पंद्रह पंद्रह नौ चौबीस पाँच उनतीस और इकतीस बस बिल्कुल जी सबसे पहला आपने यही चेक करना है कि परसेंटेज में क्या है इस है और डिग्री में क्या है तीन सौ साठ है तो ये बस है जो आपने सबसे पहले चेक करना है देखिए आप कहते दे, नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम पटना टू बक्सर मतलब तो पटना पहले कहाँ जा रहे हैं बक्सर इज देन नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग टू इट्स जहानाबाद अच्छा देखो अगर मैं बात करूं भाई सौ परसेंट इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास आप कहोगे सर ट्वेल्व थाउजेंड दी ये अगर आपको नहीं दिख रहा तो बेटा बारह हजार है ये मेरा ठीक है ध्यान कीजिएगा पूरा क्वेश्चन इस चार्ट पे निर्भर करता है ठीक है तो एक परसेंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 120 ठीक है क्या कह रहे हो बक्सर बक्सर कहाँ पहुंचे हम 16 परसेंट तो 16 परसेंट यानी बक्सर की वैल्यू कितनी हुई सोलह गुना एक तो सोलह एकम सोला और सोलह दूनी बत्तीस क्या एक सौ साठ प्लस बत्तीस हाँ ठीक है ठीक है Next, ये किसकी बात होगी बक्सर की बात होगी की हो जहानाबाद की, की बात करें सॉरी फिर जलालाबाद निकले जहानाबाद की बात करें तो बारह परसेंट यानी एक सौ बीस पूरा बारह तो ये कितना हो गया वन फोर फोर आपको अभी शॉर्टकट बताऊंगा फिलहाल मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन पार्ट के रूप में आपको दिखा रहा हूँ कैसे हो सकता है आपका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा इस केस में कि जब मेरे पास कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट हो तो मैं कैसे करूंगा ठीक इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे पास वन नाइन टू जीरो माइनस ऑफ वन फोर फोर डिफरेंस कितना है मेरे पास आप कहोगे सर चौवालीस गुना अठासी और चार बावन यानी पाँच सौ बीस यानी डिफरेंस पाँच सौ बीस है ओह सॉरी अड़तालीस चार सौ अस्सी नोट पाँच सौ बीस फोर चेक कीजिए क्या फोर ही मेरे पास डिफरेंस है क्योंकि अगर मैं वन फोर्टी फोर में फोर्टी एट ऐड भी करता हूँ देखो वन फोर्टी फोर में फोर्टी एट ऐड करो देखो कितना आ गया वन नाइन्टी टू आ गया तो इतना ही मेरे पास इसका मतलब वन फोर एटी ज़्यादा किससे वन फोर फोर ज़ीरो से और परसेंटेज के लिए क्या लगाना पड़ेगा मुझे तो बारह चालीस बारह गुना बारह चार थी बारह दो बटे तीन कितना हो मेरा थर्टी थ्री पॉइंट देखो ये सिर्फ एक कैलकुलेटिवेक्ट परस्पेक्टिव से मैंने इस क्वेश्चन को बताया जबकि इस क्वेश्चन को ऐसे करना बिल्कुल नहीं मैक्सिमम बच्चे इसी तरीके से करेंगे अगर ऐसे करेंगे तो मुझे गलती भी तो बताने की गलती क्या है अब देखो जरा ये नोट कर लेना आंसर अपने पास तैतीस पॉइंट तीन तीन परसेंट है मुझे एक बात आई है अगर मैं छोटी सी आपसे बात करूं यहाँ पे मुझे करना क्या है पहले मुझे बक्सर के बच्चे बताने हैं या जो ट्रैवल कर रहे हैं फिर मुझे जहानाबाद के बताने है ना भाई ऐसे ही करना तो क्या इनका जो बेस है क्या बेस सेम है बारह हज़ार मतलब बारह हज़ार का कितना निकालना है मुझे सोलह परसेंट और बारह हज़ार का कितना निकालना है मुझे बारह परसेंट तो जब वो कॉम बना तो और परसेंटेज जब पूछा तो उस इसका कोई लेना देना ही नहीं है अगर मैं बात करूं बक्सर की अगर बक्सर की बेटा मैं बात करूं बक्सर के लिए कितने है मेरे पास बक्सर के लिए है मेरे पास सोलह परसेंट और जहानाबाद की बात करूं बारह परसेंट तो जहानाबाद में या बक्सर में कितने कितना है का? मैं चार, किस है से बारह से इंटू ऑफ सौ परसेंट तो क्या ये भी सौ पॉइंट तीन परसेंट थर्टी थ्री पॉइंट वो बिल्कुल <coughs> तो जब क्वेश्चन में ऐसा डेटा होना और परसेंटेज में आंसर पूछो तो आपको एग्जैक्ट डाटा निकालने की जरूरत नहीं है ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम पटना टू गया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम पटना टू दरभंगा एंड आरा टुगेदर अब देखो वही क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट है अगर मैं बात करूं गया गया में कितने कितने गए हैं भाई 15% ठीक है और दरभंगा दरभंगा में गए भाई ग्यारह परसेंट और नेक्स्ट में बात करूँगा आरा आरा में कितने नाइन परसेंट तो इन दोनों में कितने हो गए पर परसेंट मैं क्या हूँ गया में पंद्रह बंदे गए हैं यहाँ पे कितने गए बीस गए हैं तो क्या बोलोगे भाई गया का बताना है, कितने हैं टोटल किसके बीस के इंटू ऑफ हंड्रेड तीन के ऑप्शन नंबर डी मुझे निकालना है नहीं क्योंकि जो दिया वो से काम चल रहा है वो। अब इसमें देखो एग्जैक्ट डाटा निकालो इसमें मुझे करना पड़ेगा कुछ अलग क्लियर चलिए भाई क्या दिया वट इज द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम पटना टू सहारता, कथियार एंड बक्सर देखो पूरा पूरा निकालने की जरूरत नहीं है अगर मैं बात करूं, सहारसा सहारसा में कितने हैं भाई पंद्रह परसेंट कटिहार में कितने हैं कथियार बोलो कटिहार में कितने हैं बाईस परसेंट और नेक्स्ट कितने बक्सर में बक्सर में कितने मेरे पास सोलह तो, परसेंट टोटल निकालो कितना हो गया ये पंद्रह परसेंट प्लस बाईस परसेंट प्लस सोलह परसेंट डिवाइडेड बाय थ्री तो ये कितना हो गया बाईस पाँच सत्ताईस सैंतीस और छः तैतालीस जमा दस तिरपन फिफ्टी थ्री बाय तो ये क्या आ गया मेरे पास एवरेज आ गई अबे किसकी एवरेज निकालने मुझे टोटल कितने बेटा मेरे पास ट्वेल्व थाउजेंड क्लियर यानी फिफ्टी थ्री बाई टू परसेंटेज लगाएंगे सौ और मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो तो ये कितना हो गया ऑप्शन नंबर राइट क्लियर बिल्कुल सही आंसर था इस क्वेश्चन का जल्दी से नोट कीजिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं <coughs> अब देखो इस क्वेश्चन ये इतना खास क्यों है कि पहले दो क्वेश्चन में परसेंटेज तीसरे में एग्जैक्ट डाटा और चौथे पार्ट में क्या बता दिया मैंने आपको सेंटर एंगल कैसे निकलना क्लियर देखिए क्या दिया वट विल बी द एंगल फॉर पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम पटना टू बक्सर इफ इट इज पुट इन फोम इन पाई चार्ट देखिए सबसे पहली बात जो भी चीज इस पाई चार्ट में गिवन होते या तो वो हंड्रेड में होगी या किस में होगी तो साठ डिग्री में ये बात आपने ध्यान रखनी है या तो वो परसेंटेज में सौ होगी या वो डिग्री में कितनी होगी तीन तो डाटा तो बराबर है ना अगर मैं कहूँ यहाँ पे सौ बच्चों की बात हो रही है तो भैया ठीक तो है मेरे पास? तो बटे बटा दस अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है पटना टू बक्सर यानी बक्सर कहा है हमारे पास सोलह परसेंट सोलह परसेंट का मान निकालना आपको सोलह परसेंट दस सोलह तो ये कितना हुआ सोलह ती अड़तालीस यानी कितना चार सौ अस्सी सोलह सिक्स पॉइंट डिग्री तो, तो कैलकुलेशन में कोई ज्यादा नहीं थी बट क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मुझे बिल्डअप मांगा गया था कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन में कैसे आप लोग इसको टैकल करोगे क्लियर तो प्लीज लाइक

तो सिलेबस खत्म होने में ही तीन से साढ़े तीन चार महीने लग जाएंगे अगर आप अच्छे से क्लियर करो अगर आपने अच्छे से सिलेबस कर लिया तो उसको रिवीजन करने के लिए एक महीना लिए आपको इसी बीच आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है इसी बीच आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है तो जब तक आप सिलेबस पूरा नहीं करेंगे स्टूडेंट्स वो उस मुकाम पर नहीं आ सकते जिस मुकाम पर मैं ये कहूँ कि हाँ अब आप निश्चिंतों के पेपर दीजिए अच्छा पेपर होगा आप आई डोंट नो कई बार ऐसा होता है बच्चों की अच्छी तैयारी होती है जब भी पेपर के प्रेशर की वजह से वो नहीं कर पाते प्रेशर इसी को बोलते हैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स क्यों रह जाते एग्जाम प्रेशर एग्जाम प्रेशर क्यों लेते हैं वो स्टूडेंट्स रीजन तैयारी अच्छी होती है बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी होती वहां मार्क आ जाते तो आपने ये गलती नहीं कर रही है जुड़िए हमारे साथ मैंने आपकी कोर्स डिटेल बता दी लिंक में सारे डिस्क्रिप्शन और सॉरी मुंबई से उल्टा हो जाता हूँ डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे आपको लिंक दिए गए हैं चाहे वो माइक्रो कोर्सेज का हो चाहे वो फुल कोर्स का हो चाहे आपके व्हाट्सएप को क्लियर चलिए चलिए भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे Katihaar, 42 38 तो अगर मैं बात करूँ देखो मेरे पास क्या दिया और मेरे से एग्जैक्ट डाटा पूछा हुआ है अगर मैं कटिहार की बात करूं कटिहार कितना है मेरे पास बाईस परसेंट यानी बाईस परसेंट ऑफ क्या ट्वेल्व थाउजेंड का ऐसी बात करोगे यानी अगर मैं इसको सॉल्व भी करना चाहूँ तो बड़ी इजीली सॉल्व कर सकता तो हूं देखो इसको सौ परसेंट मान के चलोगे सौ परसेंट कोई डाटा दिया होगा उसका कितना गया अट्ठतीस परसेंट गया उसका कितना गया बयालीस गया तो अल्टीमेटली मैं कहूँगा उस डाटा का अस्सी गया मतलब ये जो कंप्लीट डाटा था इसका अस्सी तो निकल गया तो कितना बचा तो समझिए कि कोई डाटा मेरे पास 100% है उसका फोर्टी टू परसेंट फीमेल दिया हो तो उसका चालीस परसेंट निकल गया उस डेटा का कितना बचा ट्वेंटी परसेंट यानी मुझे निकालना क्या है ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी बाय हंड्रेड इन टू ट्वेंटी टू बाई हंड्रेड थाउजेंड ये निकालना है बेटा मेरे को तो दो जीरो से दो जीरो और एक जीरो से क्या बचा बाईस ये कितना हुआ कर लीजिए चवालीस बारह कितना हो गया कुछ कैलकुलेशन एक हुई है चेक कीजिए कहीं एक ज़ीरो बचा तो नहीं तो मुझे ज़्यादा ही दे रहा है लेट मी चेक अच्छा नन ऑफ दीज भी तो है मेरे पास चलिए बारह चौके अड़तालीस चार सौ अस्सी बारह चौके अड़तालीस ये कितना हो गया मेरे पास एट फाइव ट्वेंटी था right so, मुझे चार ही ऑप्शन देखे मैं इसमें कुछ मेरे करने की जरूरत पड़ी तो होप फुल्ड जो हमने किया मिले जुले क्वेश्चन मैंने कोशिश की कि पाँच क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट पांच अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ क्लियर तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और प्लीज टाइम वेस्ट करना बंद करोट चलिए नेक्स्ट है मेरे पास हमारे माइक्रो कोर्सेज व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज बताइए हर वीडियो में बता रहा हूँ आप लोग रेगुलर देख रहे हो तो माइक्रो कोर्स क्या होता है मेरे पास बताओ माइक्रो कोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, है जहाँ पे पूरा चैप्टर ना करके मुझे सिर्फ उस टॉपिक उस छोटे छोटे टॉपिक्स उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे काम करना जो मुझे नहीं आता जैसे मैं अगर बात करूँ जैसे अभी मैंने डी किया सपोज करो डी नहीं आता तो मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा दिखाऊँगा तो ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा तो भैया इसीलिए लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है देखिए ज्यादा सारे सब्सक्रिप्शन है वीडियो कोर्सेज हैं टेस्ट कोर्सेज और दीज आर माई माइक्रो कोर्स चलिए सिविल सर्विस देखिए यहाँ पे दस डिज का मोबाइल नंबर लिखा यहाँ से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्लियर यहाँ पे भी लिंक आ जाएगा पॉप पॉप जाएगा आपके पास देखिए जैसे मैथ एंड एबिलिटी की बेटा बात करूँ नंबर सिस्टम आप सबको पता है इसमें तो ट्रेंडिंग सा टॉपिक बन चुका है सी के लिए देखिए जैसे हमने अभी जैसे हमने भी एक की बात की है ना देखिए जैसे यहाँ बार ग्राफ दिया हुआ है मेरे पास देखिए जैसे पाई चार्ट है फिफ्टी सेवन रुपया एक लेक्चर में सारा कुछ है दो वेब नोट्स एक सौ बत्तीस मल्टीपल से, से सबका दिया हुआ है जैसे मुझे नंबर सीरीज करना हो या मुझे एवरेज करना हो बाईस रुपए का दो वेब नोट्स है वेब नोट्स वही पार्ट है जो रिसोर्सेज बता रहा था उसमें आपको मिलेगा छ मिनट का ट्रायल हर टॉपिक के साथ है परसेंटेज नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम इतना खास है तो भैया तीन सौ पच्चीस रुपये से भी कम में यानी तीन सौ चौबीस रुपये में आपके बाईस बीस बाईस पच्चीस परसेंट आता है फोर ट्वेंटी वन क्वेश्चन है नौ वेब नोट्स हैं क्लियर तो कहीं इसी तरीके से आपको रीजनिंग और इंग्लिश के भी आपको माइक्रो कोर्सेज देखने को मिलेंगे यहाँ देखिए चलिए जैसे हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें पूरा बंडल छब्बीस सौ का अगर आप नहीं परचेज करना चाहते तो भाई साहब फसल टेस्ट तो करोगे रैंकिंग एंड ऑर्डर तो करोगे रैंकिंग एंड ऑर्डर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बिकॉज रैंकिंग एंड ऑर्डर ऐसा चैप्टर है जहां से हर बार क्वेश्चन आता है छह मिनट का ट्रायल है पसंद आया लीजिए नहीं पसंद आया तो फिर मजे कीजिए कुछ और कीजिए स्टेटमेंट कंक्लूजन डायरेक्शन साइंस आपका सिलोजिज्म हो गया क्यूब एंड आइस हो गया आपका कोडिंग एंड कोडिंग होगा ब्लड रिलेशन हो गया डाटा सफिशंसी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लियर

फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने स्वर्णिम शब्द यहाँ फिर हुए मुझे मतलब ये सारे बच्चे वो हैं जो एक दिन आपकी तरह एक उम्मीद बांध के आए थे हमारे पास कि सर आई एस बच्चे हैं बताइए कैसे क्या पढ़ाई की जाए तो एक अच्छी क्योंकि हम पच्चीस साल से रिनॉन इंस्टीट्यूट हैं पच्चीस साल से अभिमन्यू है बाईस प्लस सिलेक्शन दे तो इन हजारों बच्चे निकल चुके हैं तो आइए आप भी इस कतार में नहीं खड़े सिलेक्शन ली आइए हमारे पास और इनके ये व्यूज को प्लीज़ पढ़िए ताकि आपको एक्चुअली पता चलेगा मेरे कहने से फर्क ना पड़े बट जो बच्चे सिलेक्ट एटलीस्ट उनके कहने से तो आपको पता चलेगा व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग विच अदर आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट हम ऐसा क्या दे रहे हैं उसके बारे में दूसरे बात भी नहीं Clear? तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल सुने सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे थैंक यू